और चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस में तमाम खबरें अब आपको बताने जा रहे हैं। बारिश का दौर लगातार उत्तराखंड में जारी है, कई इलाकों में तबाही मची हुई है। प्रदेश में आज तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, हल्द्वानी, यूएस नगर में तेज बारिश का अलर्ट है। कई इलाकों में बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। तो देख सकते हैं आप, नदी नाले उफान पर हैं, आम लोग परेशान हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शनिवार देर रात एनडीआरएफ और उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित हिम्मतपुर हेमपुर में इस्माइल क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पहाड़ों में बारिश आने से बहला नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जिसके चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है, जिससे अफरा तफरी मची हुई है। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। लोकल जनप्रतिनिधियों ने लोगों को भरोसा दिया है कि उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। चमोली में बारिश और बर्बादी का दौर लगातार जारी है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है बारिश। और इसके बाद लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागल नाला और बेलाकुची के पास मलबा आने के बाद ये बंद हो गया। वहीं पीपलकोटी के पास भी हाईवे बंद था, जिससे अब आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, लेकिन भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो दो तस्वीरें देख सकते हैं आप आपकी टीवी स्क्रीन पर। बद्रीनाथ हाईवे फिर से बंद हो गया है और अब लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी आ रही है। सड़कें बंद हो गई हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। लिंक रोड हो या फिर हाईवे हो, लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने के चलते बंद हो गए हैं। तो प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 19 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारी मंत्री को अपने क्षेत्र में जाने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज से सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों के निरीक्षण पर निकलेंगे। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हरिद्वार जिले में पानी ने खूब तांडव किया है, जहां कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की 16 टीमें लगी हुई हैं। हरिद्वार में अब तक 3 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं और ऐसे में प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। ये है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, जो पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं और सारे अपडेट सोशल मीडिया में कर रहे हैं। महाराज हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री हैं। कांवड़ यात्रा के बीच हरिद्वार के कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं। सीएम धामी हरिद्वार का जायजा लेकर अफसरों को निर्देश भी दे चुके हैं, लेकिन मंत्री जी अभी भी समय नहीं निकाल पाए। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी दिल्ली के तूफानी दौरे से देहरादून लौट कर आए हैं। जोशी उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी भी हैं। वहां कुमाऊं में बारिश होने से उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं। बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम ने पार्टी संगठन से वर्कर्स और विधायकों को प्रभावित इलाकों में जाने के लिए कहा। वहीं सीएम धामी ने भी प्रभारी मंत्रियों को जाने के लिए कहा है। पार्टी अध्यक्ष कहते हैं ये समय अभी से एक्टिव रहने का है। इसी रूप से जहां आपदा है वहां जाना चाहिए, उनके लिए जो सुविधाएं होती तो करना चाहिए। अब केवल जाकर वहां प्रोटोकॉल को ही निभाते रहे, आगे पीछे अधिकारी घुमाते रहे, तो काम कौन करना चाहिए। इसलिए आज के तकनीकी युग में प्रत्यक्ष स्थान पर जाने के साथ साथ संवेदनशील रहते हुए सुविधाएं पहुंचाई। मेरे सीनियर मंत्री है, मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के इशारे को हर मंत्री को समझना चाहिए। हम लगातार संपर्क बने, मैं खुद परसों में अपने क्षेत्र में जा रहा हूं,
क्योंकि परसों दिल्ली में एक मीटिंग है, उसको अटेंड करने के बाद सीधा मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ। बारिश के सीजन में आपदा की तैयारियों का जायजा लेने की बजाय अल्मोड़ा और चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत स्वास्थ्य चिंतन शिविर की चिंता में देहरादून ही रहे। वहीं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा दक्षिण भारत की थाह लेते रहे। नैनीताल की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य पारिवारिक कार्यक्रम में बिजी रही। टिहरी और उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल भी इस बीच दिल्ली और देहरादून के बीच दौरे में रहे। शनिवार को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने सीएम धामी के निर्देश का हवाला देते हुए बाकायदा सभी मंत्रियों के स्टाफ को चिट्ठी भेजी है। चर्चा है कि सीएम के कड़े निर्देश के बाद मंत्री जिले में जाने के लिए सामान पैक कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। विशाल गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं तमाम मंत्रियों को कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं और वहां पर जाके बाढ़ की स्थिति का जायजा ले, जानकारी ले। कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी और फिर किस तरीके से डिवाइड किया गया है जोन को? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से पहाड़ में तबाही का मंजर जारी है और ऐसे में भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात कहीं कहीं पर बने हुए हैं, तो मुख्यमंत्री ने दो टूक साफ निर्देश दे दिए हैं कि सभी मंत्री, सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पर मोर्चा संभालेंगे और किसी भी तरह की परेशानी होगी तो उसका वहीं पर ही समाधान भी करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अभी से ये लागू किया जाए, जल्द से जल्द वो अपने क्षेत्रों में पहुंचे, क्योंकि हरिद्वार में देखिए हालात अभी भी काफी गंभीर बने हुए हैं, जहां पर 500 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर पानी घुसा हुआ है और पानी ने तांडव मचा रखा है। ऐसे में जनजीवन ध्वस्त-व्यस्त हो ही गया है, साथ ही अब लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जा रही है। ऐसे में SDRF, NDRF और प्रशासन की टीमों ने मोर्चा तो संभाला हुआ है, राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, लेकिन जिस तरह से प्रभारी मंत्री गायब है ये अपने आप में बड़ा विषय बना हुआ है कि प्रभारी मंत्री जिलों में पहुंचे, वहां की सूद लें कि किस तरह से परेशानी हो रही है, किस तरह से दिक्कतों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है। तो इन सभी चर्चाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को निर्देश दे दिया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज से ज्यादातर मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में दिखाई देंगे, अपने अपने क्षेत्रों की निगरानी करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठ के करेंगे और जो स्थानीय लोग हैं उन तक जो जरूरी चीजें हैं वो पहुंचाने की कोशिश भी करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल विशाल, और सतपाल महाराज को लेकर जिस तरह से सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ लोगों तक वो मदद पहुंच पाए इसके लिए मुख्यमंत्री तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी तक प्रशासन ने क्या क्या मदद की है, राहत शिविरों की बात करें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आपने क्या देखा फील्ड में? देखिए लगातार जिस तरह से बाढ़ जैसे हालात है, क्योंकि हरिद्वार इस समय सबसे ज्यादा पीड़ित है और अभी कांवड़ यात्रा भी चल रही थी, तो ऐसे में लगातार जो पानी का स्तर है वो बढ़ जाना तो वो कहीं ना कहीं चिंता जरूरी पैदा कर रहा था। और ऐसे में जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई रोड ब्लॉक है, कई रोड पर पानी है, तो ऐसे में कैसे लोगों तक सामान पहुंचाया जाए उसके लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और 16 टीमें NDRF SDRF की मौके पर तैनात है जो कि लोगों को बचाव के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने घरों पर ही हैं और काफी बीमार भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनको अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी बोट्स लगाई गई हैं जो कि SDRF द्वारा लोगों को, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए विशाल तो प्रशासन की तैयारी भी पूरी हो गई है। तो दूसरी तरफ अब देखना होगा जब मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो क्या फीडबैक वो सरकार को देते हैं। बहुत शुक्रिया विशाल जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में बारिश और मैदान में बाढ़ से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन सरकार के ज्यादातर मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में अब सीएम धामी ने मंत्रियों को जिले में जाकर हालात का जायजा लेने के लिए कहा है, ये हमने आपको बताया। और बात अब करण महारा की कर लें तो करण महारा की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे और अब देहरादून की खबर हम आपको बता रहे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजिस्ट्रार ऑफिस में अचानक छापेमारी की और औचक निरीक्षण किया। लंबे वक्त से सीएम धामी को रजिस्ट्री ऑफिस में गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद सीएम धामी पहुंचे और वहां पर पहुंचकर रिकॉर्ड को देखा गया। सीएम धामी ने फाइलों को देखने के बाद कहा कि यहां पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और फाइल में गड़बड़ी की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट है, पुरानी रजिस्ट्रियां है, रिकॉर्ड है,
सभी रिकॉर्डों को देखने के लिए और कुछ रिकॉर्डों में जहां कुछ गड़बड़ियां पाई गई एफआईआर भी हुई है और जो मानक है इसको रखे जाने के, इनको सुरक्षित रखे जाने के उसके निर्देश दिए हैं और जो कहीं गड़बड़ियां पाई गई हैं उन गड़बड़ियों के जांच के आदेश किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहें, मानकों के आधार पर रहें, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आज मीडिया से बात की है, माफ कीजिएगा कल बात की, और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तत्काल मंत्री सतपाल महाराज का इस्तीफा लेना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सतपाल महाराज हरिद्वार के प्रभारी मंत्री है लेकिन अब तक हरिद्वार में नहीं पहुंचे हैं। इसके साथ ही सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग भी उनके पास है, सड़कें टूटी हुई हैं लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, पर्यटन मंत्री होने के बावजूद अब तक सतपाल महाराज बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं गए, ना ही यात्रा की शुरुआत के वक्त के समय वो मौजूद रहे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर घूमने में व्यस्त है, चाणक्या में घूम रहे हैं आज, कल दिल्ली के किसी अन्य क्षेत्र में घूम रहे थे। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का टाइम नहीं है, आपदा क्षेत्र में जाने का टाइम नहीं है, लोगों के लिए व्यवस्था का टाइम नहीं है, लेकिन दिल्ली घूमने का टाइम है। एक बिहार के विवादास्पद मंत्री का पांव देखने की ज्यादा चिंता है। मेरे यहां बूढ़ी भां मर रही है बिना दवाई के, उसकी फसलें चौपट हो गई किसान की, उसके डंगरों के लिए खाने के लिए चारा नहीं, उनकी चिंता नहीं है, लेकिन एक बिहार के रहने वाले मंत्री के पांव टूटने की बड़ी ज्यादा फिक्र मंत्री को है। अगर मुख्यमंत्री सीरियस हैं इस बात को लेकर कि प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा और मंत्रिमंडल ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उदाहरण पेश करने का टाइम है। सतपाल महाराज का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। एक ही परिवार में दो बच्चे पैदा होते हैं, एक भोला महाराज एक सतपाल महाराज। भोला महाराज राजनीतिज्ञ नहीं है लेकिन मंगला माता के साथ लेकर देश के गरीब लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति राजनीतिज्ञ भी है, धर्मगुरु भी है, लेकिन वो ना तो धर्मगुरु की जो शपथ लिए उसका पालन कर रहा है, ना मंत्री पद की शपथ का पालन कर रहा है।